हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर और आपकी फीलिंग्स। ठीक है, एक दूसरे के लिए आप लोग यू वर्सेस देम पे देखेंगे कि एक दूसरे के लिए इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है, जब ये आप रीडिंग देख रहे हैं क्या चल रहा है आप लोगों के माइंड में। लेट्स सी, चेक करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करते हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के लिए इस टाइम फ्रेम पे क्या एनर्जी रख रहे हैं। ठीक है, फिर देखेंगे यू वर्सेस देम, मतलब के चल क्या रहा है। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस वक्त। वीडियो को लाइक कर देते रहें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप से रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें सबसे पहले देखेंगे आपके लिए आपकी क्या एनर्जी अपने पर्सन को लेकर। ठीक है, थ्री कार्ड्स आपकी एनर्जी के और थ्री कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी के। सबसे पहले आपकी एनर्जी क्या है अपने पर्सन को लेकर इस वक्त, क्या एनर्जी, किस एनर्जी में हैं आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है अपने पर्सन को लेकर, ठीक है, और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर। मेरे व्यूवर के पार्टनर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर को लेकर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी। ठीक है, वेट, ओके, गिर गया, शिट। यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ठीक है, आप दोनों की हीलिंग चल रही है यहाँ पर इस वक्त, हीलिंग का टाइम है। ठीक है, आप लोग इस वक्त हील कर रहे हैं अपने आप को, ये आपके पर्सन और ये आप। रेस्ट एंड रिजुवनेट, आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से, डिस्कनेक्ट की एनर्जी में एक न्यू जर्नी पे जा रहे हैं आप। ठीक है, अपनी लाइफ में किसी न्यू जर्नी को अप्रोच कर रहे हैं, आपकी आपकी अपनी लाइफ में किसी न्यू जर्नी को अप्रोच करना चाहते हैं। आप इस कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हैं और अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। रेस्ट एंड रिज्यूनेट, अपने आप को हील कर रहे हैं और इस सिचुएशन से डिटैच कर रहे हैं कम्प्लीटली। ठीक है, वॉक अवे कर रहे हैं इस कनेक्शन से। ठीक है, किसी न्यू जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। एप्रिसिएशन एंड विक्ट्री, ये पर्सन विक्ट्री चाहता है। ऑल टाइड अप, थोड़ा सा मेंटली स्ट्रक्चर से ऑल टाइड अप, बहुत ज़्यादा थक चुका है इस पर्सन के, जैसे थक चुका है आपसे भाग भाग कर। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक थकन इस पर्सन को फील हो रही है, ये आपके ऊपर ही आके रुक जाता है। मतलब कि ये अपने आप को थोड़ा सा अभी स्टक समझ रहा है। ऑल टाइड अप की एनर्जी, विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है, अप्रिशिएट कर रहा है आपको, एक अप्रिसिएशन वाली एनर्जी, अप्रिशिएट करता है आपको। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी में ऑल टाइड अप। लेट्स सी, आप लोग की एनर्जी को एक दफ़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लैरिफाई, रेस्ट एंड रिजुविनेट। आप मेरे व्यूअर की एनर्जी में रेस्ट एंड रिजुविनेट क्यों आया, रेस्ट एंड रिजुविनेट। ठीक है, हीलिंग की एनर्जी, आप हील कर रहे हैं खुद को, बहुत ज़्यादा पीस अपने माइंड सोल में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पीस देने की, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और सिचुएशन से बाहर निकलने की, इस कनेक्शन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक वॉकिंग अवे का कार्ड और ऑल टाइड अप का कार्ड, आप दोनों एक दूसरे से, ये पर्सन इस कनेक्शन से भाग भाग कर और आप इस कनेक्शन के पीछे भाग भाग कर थक चुके हैं। ऑल टाइड अप की एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक जानते हैं चीज़ें एक दूसरे के साथ बेहतर हो सकती है, दोनों ही आपके भी माइंड में और आपके पर्सन के भी माइंड में, लेकिन कोई यहाँ पर एक दूसरे के साथ, आप दोनों का जैसे वो टाइम, आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे कॉम्प्रोमाइज़ करने का, एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखने का। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये चल रही है। ठीक है, क्लैरिफाई, रेस्ट एंड रिजुविनेट। यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेट क्यों है, ओके, ठीक है, क्लैरिफाई, वॉकिंग अवे, ओके, जर्नी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। आप अपनी लाइफ में रेस्ट एंड रिजुविनेट पे जाकर अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की कोई भी स्टकनेस है, अब ये पर्सन स्टकनेस है आपकी लाइफ की, आप एक वॉक अवे करना चाहते हैं, आप इस स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं। अब आप इससे ज़्यादा स्टक नहीं रह सकते इस कनेक्शन में। ठीक है, आप वॉक अवे करना चाहते हैं जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही। आप यहाँ पर अपने ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, एक लवर्स की एनर्जी है, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में तैयार हैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को चूज़ करने के लिए, नई जर्नी पर जाने के लिए। ठीक है, मतलब कि आपने बहुत टाइम इस कनेक्शन को होल्ड बैक करके रखा, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत
बहुत साल ले गए, आपका ये कनेक्शन बहुत अरसा गुजर गया कि आपको एक हैप्पीनेस नहीं मिली, खुशी नहीं मिली, आपकी लाइफ में बिगनिंग नहीं आई, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन से, ठीक है? आपको आप अपनी लाइफ में चॉइसेस, मतलब कि आप इस वक्त इस एनर्जी में सोलमेट को अलाउ कर रहे हैं, सोलमेट के लिए ओपन अप हो रहे हैं, ठीक है? मतलब कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है? एक सोलमेट को अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आप, किस ऐसी एनर्जी में आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी, देखते हैं ऑल टाइड अप की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की लाइफ में। आप किसी भी स्टक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, जो आपको चीज़ सर्व नहीं कर रही, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में एक सफोकेशन दे रही है, आपको पीस नहीं दे रही, आप उससे निकल रहे हैं। क्लैरिफाई ऑल टाइड अप, क्लैरिफाई एप्रिसिएशन, क्लैरिफाई विक्ट्री। ओके, हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, ठीक है? बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, आपका वेट कर रहा है, ठीक है? एक वेटिंग एनर्जी है, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है। और विक्ट्री, ये अपनी ज़िंदगी में भी किसी चीज़ का वेट कर रहा है, एक सक्सेसफुल होने का, ठीक है? एक कुछ सक्सेस लाने का, कुछ बिगनिंग करने का, कुछ रीस्टार्ट करने का, ठीक है? हर्ट है, एनर्जी बेहद हर्ट है अपनी ज़िंदगी में, बेहद कहीं मतलब कि ये वेट कर रहा है आपकी तरफ, आप कब आएंगे इसकी तरफ, ठीक है? आपके लिए एनर्जी ऐसी है और अपनी ज़िंदगी में अपनी रोमांटिक लाइफ को सक्सेसफुल होने का वेट कर रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अंदर से थक चुका है ये पर्सन, ठीक है? इसको भी एक लव वाली सिचुएशन में कभी भी पीस नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिली, ठीक है? इसको ऐसा लग रहा है कि इसको पीस चाहिए, सक्सेस चाहिए, मतलब कि मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जिससे एक विक्ट्री आए इसकी लाइफ में, जिससे इसकी लाइफ सेटल हो, ठीक है? आप यहाँ पर इस कनेक्शन में हील करते करते इस पर्सन को सब कुछ प्रोवाइड करते करते थक चुके हैं, ठीक है? वो वाली एनर्जी आपकी तरफ। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, मेरे व्यूअर के पर्सन, मेरे व्यूअर को लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं इस वक्त, ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, ठीक है? अकेलेपन का शिकार है ये पर्सन, बेहद हर्ट है, पेन में है, तकलीफ में है, रियलाइजेशन के फेस में है, लेकिन वेटिंग एनर्जी है, ठीक है? इसको सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली भी किसी सक्सेस का वेट कर रहा है, ठीक है? कोई अप्रूवल है जो शायद इसको मिलनी है और आप बस अब इससे का इंतज़ार नहीं करना चाहते, आपने बहुत वेट करा, हद से ज़्यादा इन्वेस्ट करा और वेट करा, आपको कुछ नहीं मिला। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? ये पर्सन चाहता है बैलेंस, ठीक है? ये पर्सन चाहता है हीलिंग, ये पर्सन चाहता है एक एक हीलिंग आना, एक न्यू बिगनिंग होना, एक किसी तरीके का रीस्टार्ट आना, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा लगता है इस कनेक्शन में रीस्टार्ट आना ज़रूरी है, हीलिंग चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है? इस कनेक्शन की हीलिंग चाह रहा है इस पर्सन को लग रहा है यहाँ पे नीड है एक हीलिंग की, एक न्यू बिगनिंग की, एक रीस्टार्ट की, जो कि इस कनेक्शन में नहीं मिल पा रही। क्लैरिफाई टेम्परेंस, क्लैरिफाई टेम्परेंस, क्लैरिफाई टेम्परेंस, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई टेम्परेंस, इसको नहीं पता बैलेंस कैसे आए, इसको नहीं पता इस कनेक्शन की हीलिंग कैसे करें, इसको नहीं पता ये आपको किस तरीके से अप्रोच करें। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में तो जालस हो रहा है, इसको नहीं पता ये कैसे आपको रोके, इसको नहीं पता ये क्या एक्शन ले आपकी लाइफ में आने के लिए। स्लीपलेस नाइट है, परेशान है, रातों में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, रातों में बहुत ज़्यादा स्टक है, बेहद परेशान हो रहा है, ठीक है? लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, आपकी तरफ कोई बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है? लेकिन ये बात आपसे छुपा रहा है, आपको शो नहीं कर रहा कि आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग चाहता है, आपके साथ कुछ स्टार्ट चाहता है, ठीक है? इस बात को नहीं बता रहा है आपको, ठीक है? बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा कि आपको ये बात पता चले कि आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग और कुछ न्यू स्टार्ट चाहता है। आपकी फीलिंग्स क्या अपने पर्सन को लेकर, मेरे व्यूअर की क्या फीलिंग्स हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, मेरे व्यूअर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं अपने अपने पार्टनर को लेकर। आप चाहते हैं इस कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो तो टीम वर्क हो, ठीक है? आप चाहते हैं कि ये पर्सन हर चीज़ पे ध्यान दे रहा है ना कि आप पे, ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ध्यान देता है, इसने हर चीज़ पे वर्क करना है लेकिन आपके अलावा, ठीक है? आप इस कनेक्शन में बहुत टाइम से इस पर्सन से टीम वर्क मांग रहे थे, आप इस पर्सन को बिजी देख रहे हैं, आपकी फीलिंग ऐसी है कि आज भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप दूर हो रहे हैं, चीज़ें हमेशा के लिए शायद अब ख़त्म होने जा रही हैं लेकिन आप देख रहे हैं इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? मतलब क्या आप इस एनर्जी में इस पर्सन को लेकर, आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर ये हैं, ठीक है? मतलब क्या आपने आप सोच रहे हैं कि अगर इसने अपनी ज़िंदगी पे ही काम करना है तो ये काम करता रहे और आप भी अब अपनी ज़िंदगी के लिए ही सोचेंगे, ठीक है? अगर ये सेल्फिश है तो आपको भी थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा, आप ये सोच रहे हैं। क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स क्या हैं
अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, आपकी फीलिंग्स हैरोफेंट, आप बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक समझ में आ चुका है अपनी पावर में आना कितना ज़रूरी है, आप अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन के बारे में, आपके और इस पर्सन के बारे में बहुत लोग बाहर बातें करते हैं, मतलब कि लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें, गॉसिप्स चीज़ें, लेकिन आप फिर भी सिंगल इंडिपेंडेंट होकर अपने ऊपर काम करना चाह रहे हैं, अपने आप को बहुत आपने विजडम दिया है, अब आपके बारे में लोग मतलब कि जो आपकी पर्सनैलिटी निखर के आ रही, जो चीज़ें आप अपने आपको स्टेबल कर रहे हैं, लोग वो चीज़ भी देख रहे हैं आपसे ज़्यादा, आपका जितना बेहतर है आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन की इतनी बेहतर नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस कायम करना चाह रहे हैं और ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाह रहा है, आपको लग रहा है ये बैलेंस, ये पर्सन आपकी फिक्र नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से फिक्र नहीं कर रहा, ये बैलेंस चाह रहा है, लेकिन अब इसका जैसा मुँह नहीं है आपकी तरफ कनेक्ट होने का, नहीं है इतना ईगो, इतने अपने ईगो को साइड नहीं कर पा रहा और आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, बेहद कन्फ्यूज़ है, जेलिसी में अगर आप मूव कर रहे हैं तो स्लीपलेस नाइट में इसको सुकून नहीं मिल रहा, पीस नहीं मिल रहा, ठीक है। ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है इस वक्त, मेरे व्यूअर के पार्टनर, मेरे व्यूअर से क्या चाह रहे हैं, ये पर्सन हार्ट ब्रेकिंग है, बेहद हार्ट ब्रेक ब्रोकन हुआ है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए हर्टफुल एनर्जी है, ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा, इसका इस सब चीज़ों से निकलना ज़रूरी है, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है आप इसकी तरफ कोई एक्शन लें, ठीक है, मतलब कि पास की चीज़ों को एंड करें, एक मतलब कि पास्ट को मत सोचें, पास की चीज़ों से बाहर निकलें और इस पर्सन को आप अप्रोच करें, क्लैरिफाई अप्रोच करें, कनेक्ट करें जैसे आप पास्ट में करते थे, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सेंस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इस तरह की बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है आप इस कनेक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करें, यहाँ पे एफर्ट डालें, ये टाइम एफर्ट डालने का है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन आपसे चाह रहा है आप कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से, नेगेटिविटी से, इस तरह की बिहेवियर से बाहर निकले, क्लैरिटी है जो अपने एलिमेंट है आपका बैलेंस देने का, पीस देने का, आप अपने एलिमेंट में वापस आए, ठीक है। इस पर्सन को लगता है आपका एलिमेंट है इमोशनली कनेक्टेड होना, एक इमोशनल फुलफिलमेंट आप जो देते थे आप वो प्रोवाइड करें, आप उसके लिए बने, आप इस नेकी बिहेवियर करने के लिए या तो बहुत ज़्यादा एक मतलब कि ड्यूअल एनर्जी में रहने के लिए आप नहीं बने, ठीक है। ये इमोशनली आपके लिए बेहद फील कर रहा है लेकिन ये आपको कह नहीं पा रहा, ये चाह रहा है कि आप अपने एलिमेंट में आके इस पर्सन को अप्रोच करें। आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, मेरे व्यूअर क्या चाहते हैं अपने पर्सन से, आप चाहते हैं एफर्ट, ये पर्सन स्टैंड ले इस कनेक्शन के लिए और एफर्ट करे, कम्युनिकेट करे, खुलकर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करे, ये पर्सन आप इस पर्सन से ये चाह रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं पर्सन कम्युनिकेट करे, खुलकर इस कनेक्शन में आपसे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करे, चीज़ों को बैलेंस करे, चीज़ों के लिए एफर्ट करे, फाइट करे, अब इस कनेक्शन के लिए आप ये चाह रहे हैं, अगर ये अब इस कनेक्शन को चाहता है तो, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है बहुत वक्त गुजर गया, अब बहुत वक्त हो गया, ठीक है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ वैंड्स, मेरे व्यूअर क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं ये पर्सन कोल्ड और डिटैच एनर्जी से बाहर आए, आपसे कम्युनिकेट करे खुलकर, ठीक है, बिल्कुल जो ये होल्ड बैक करता है हमेशा, ये इन होल्ड बैक करके चीज़ों को देखता रहता है, चीज़ों को होते हुए देखता रहता है, आप चाहते हैं अपने होल्ड बैक करने की एनर्जी से, नेगेटिविटी खाली देखने से, खाली सिर्फ स्टॉकिंग करने से बाहर आए, कोई एक्शन ओरिएंटेड बने, ठीक है, स्टकनेस से बाहर आए, कोई एक्शन ले इस कनेक्शन के लिए, इसके फ्यूचर के लिए, बिल्कुल आप चाहते हैं टेन ऑफ कप्स इस पर्सन के साथ, ठीक है। आप चाहते हैं पीसफुल सिचुएशन, पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, लेट्स सी फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, स्टेबिलिटी, फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, ओके, लीप ऑफ फेथ, न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, सडनली आपको यहाँ पर इस पर्सन से कुछ मिल सकता है, इस पर्सन की तरफ से कोई लीप ऑफ फेथ मिल सकता है, इस पर्सन की तरफ से सडनली कोई आपको ऑफर प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है। सडनली इस कनेक्शन का फ्यूचर आपको सडन, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, कोई सडन यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ देखने को मिल सकती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सडन कोई लीप ऑफ फेथ, सडन कोई ये पर्सन आपकी तरफ कोई रिस्क टेकिंग कर सकता है, ठीक है, जो इस जो ये करने से बहुत ज़्यादा डर रहा है, ठीक है। लेट्स सी फ्यूचर
फ्यूचर क्या रह सकता है इस कनेक्शन का, पीस एंजल्स एंड स्पीड गाइड। ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, ये पर्सन आपसे दूर रहकर खुश नहीं है और कुछ कह नहीं पा रहा, ठीक है। इसने आपको बहुत वेट कराया है, ये सोच रहा है आप अप्रिशिएट कर रहा है आपको, आप किसी लाइट में, ठीक है, आप विक्ट्री में, आपने जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है, इस पर्सन को अंदर से वो तंग कर रहा है, ठीक है, पीस नहीं दे रहा। ये सक्सेस चाहता है, सक्सेसफुल इस कनेक्शन को होता हुआ देखना चाहता है। ये पर्सन चाहता है अपने एलिमेंट में वापस आए। आप एक इमोशनल पर्सन है, आप हमें आपने हमेशा इस कनेक्शन को बनाया है, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना आपका काम नहीं है। और आप अब इस कनेक्शन में थक चुके हैं, एफर्ट डालते डालते इस स्ट्रक्चर में रहते रहते ये होप करते करते कि एक न्यू बिगनिंग आएगी, ठीक है। आप मूव ऑन करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का एनर्जी ओरेकल से, मेरे व्यूअर के और इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, ठीक है। एंजाइटी, ये पर्सन एंजाइटी में नज़र आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा, ठीक है, थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में, बेहद सोच रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। हैप्पी फैमिली, देखिए ये चाहता है आपके साथ हैप्पी फैमिली, आपको चाहता है कुछ प्रपोजल देना, कुछ आपके साथ एक रीस्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग, केयरिंग कनेक्शन, ठीक है। ये चाह रहा है आपके साथ एक केयरिंग कनेक्शन में आना, ये आपके साथ चाह रहा है, थिंकिंग वूमेन। आप भी बेहद सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन एक मैं आपके इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे है आपके कनेक्शन में पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है, एंजल ऑफ लव, बिल्कुल। यहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है, आप एंजल्स इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं, बस यहाँ पर एक कश्मकश चल रही है कुछ, मतलब कि थोड़ा सा आप इस कनेक्शन से थोड़े से खींचे खींचे से हैं, कुछ ये पर्सन खींचे खींचे से है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ सोच रहे हैं, दोनों इस कनेक्शन को चाहते हैं कि ये कनेक्शन फ्यूचर देखे, मतलब कि एक कम्युनिटी। यहाँ पर आप लोग चाहते हैं इस कनेक्शन में चीज़ों को पॉसिबिलिटी लाना, ठीक है, एक डोर टू रोमांस, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो रोमांस की, ठीक है। आप लोग यहाँ पर रोमांस देखना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर यिंग और यंग, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस आप दोनों खामोश हैं, चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन क्या कहे, कौन क्या एक्शन दे, क्योंकि चीज़ों को पहले ठीक करा जा सकता था, लेकिन अब जैसे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा कुछ एंड हुआ है आप लोग के कनेक्शन में, कोई इसको इस कनेक्शन को एक मतलब कि स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा था, ठीक है, कोई यहाँ पर कोई एंड हुआ है इस कनेक्शन में। मेरे व्यूअर, आपकी यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने जा रही है, कुछ एंडिंग आई है इस कनेक्शन में, ठीक है, कोई एक फेज ख़त्म हो चुका है, बहुत टावर मोमेंट आया था, एक स्टकनेस रही इस कनेक्शन में एक अरसे तक, वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये जो स्टकनेस आप लोग की एंड हुई है, इसके बाद ये जो एक साइलेंस ही आई आप लोग के बीच, एक खामोशी आई है, एक आप लोगों ने खामोश एक सेपरेशन का टाइम गुजारा है, क्योंकि आपने आपने एक सही गलत को मैनिफेस्ट करा है, सही गलत को समझा है, जो आपने एक कंप्लीशन दिया इस कनेक्शन को, ठीक है, जो टावर मोमेंट को एक्सेप्ट करा है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग की एक मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो सकती है 10 of cups की, ठीक है। कुछ एंड हुआ है आप लोग के कनेक्शन में, स्ट्रांगली यहाँ पर कुछ एंड हुआ है, आप लोग किसी चीज़ से आगे बढ़े, ठीक है, इस कनेक्शन में कुछ एंड हुआ है, शायद आपने बहुत जकड़ कर पकड़ के रखा हुआ था, बहुत टाइम तक वेट कर रहे थे इस कनेक्शन को बिल्ड होने का, बार बार बिल्ड होने का, जैसे आपने इस कनेक्शन को छोड़ा, इस एम्परर की जैसे ईगो टूटा, ठीक है, इसका ईगो बिल्कुल शैटर्ड हो गया, क्योंकि ये पर्सन आपको लव करता है, ये पर्सन आपको पसंद करता है, बस ईगो में रहा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थोड़ा सा वेट करें, चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं आपकी रिलेशनशिप में।